दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर जनपद बहराइच से, कांग्रेसों ने मटेरा में निकाला विशाल पैदल यात्रा। जी हां, खबर है बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसों ने निकाला विशाल पैदल यात्रा। वहीं आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेसों ने मटेरा विधानसभा में अपनी कमर कस ली है और लोगों को जागरूक करने के लिए पैदल ही मटेरा विधानसभा क्षेत्र में निकल चुके हैं। कांग्रेसों द्वारा नारी शक्तिकरण का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जिंदाबाद लगाते हुए कांग्रेसों ने मटेरा क्षेत्र में पैदल यात्रा किया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन व भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ बहराइच। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है, इस रैली का क्या महत्व है और क्या है? आज का रैली का महत्व है नारी सशक्तिकरण, नारी को आगे बढ़ाना, नारियों को मजबूत होकर आगे चलना। हमेशा नारी लोग घर के अंदर चूल्हे चौके पर, गोबर पानी पर, खेत पात पे ज़्यादा पीछे हो गई हैं। उन लोग पढ़ना चाहती है, लड़ना चाहती है। नारी क्या नहीं कर सकती है? नारी एक रूप अनेक, नारी हर काम कर सकती है। मैं एक लड़की हूँ, नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, पुरुष लड़कों की तरह काम कर सकती हूँ। मुझे, मैं एक स्त्री नहीं हूँ जो स्त्री करती रहे, मैं देश के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। इसका मौत यही है कि नारी हम लोग आगे बढ़ते चलें, सब एकजुट लड़के पुरुषों के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चलें, हर पुरुष लोग हर महिलाओं का साथ दें, हर एक घर से हर पुरुषों का। मैं पुरुषों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने माँ बहनों को, अपने बेटियों को पढ़ाइए, बढ़ाइए और शिक्षित बनाइए, उनको देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ाइए और अच्छी शिक्षा दे, तालीम दे उनको। ये नहीं कि उनको चूल्हे चौके पर बांध के रखिए। बस गड़ाउन से होते, मटेरा रेलवे गड़ाउन से होते हुए हम लोग ये रैली निबिया तक जाएगी, वहाँ से फिर रेलवे ग्राउंड से होते, मटेरा बाजार होते हुए निबिया तक जाएगी। अब यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लिए संदेश ये है कि हम लोग नारी को आगे बढ़ाते ले जाइए, उनको आगे पढ़ा के ले जाइए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इसको आगे बढ़ाइए और इस विकास के लिए, इस क्षेत्र के विधानसभा विकास के लिए सब लोग अग्रसर होके, एकजुट होके आगे बढ़ें। आज आप लोग निकाली जा रही है तो उन्होंने महिलाओं के लिए जो स्पेशल वादे किए हैं सरकार आने पे, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं, टिकट में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, ये उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी या हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी ने आज तक ये वादा नहीं किया है जो हमारी प्रियंका दीदी AICC महासचिव और प्रियंका गांधी हमारी प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, हमारी महिला जो भी छात्राएं इंटर पास या ग्रेजुएशन, उनको स्मार्टफोन स्कूटी देने का वादा किया है और सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, आप हिंदुस्तान में कहीं भी सरकारी बस से यात्रा करिए तो उन्होंने फ्री बस, फ्री टिकट, उसके बस यात्रा बोली है। नई सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधान के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति का भी वादा किया है और हमारी 1000 प्रतिमा विधवा विधवा पेंशन देने का वादा किया है। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रतिमा मानदेय देने का वादा किया है। प्रदेश में वीरंगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खोलने का वादा किया है। ये हमारी प्रियंका दीदी का पूरे तरीके से वादा किया है और कांग्रेस की और भी वादाएं हैं और प्रतिज्ञाएं हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का ऐलान किया है, 2500 में गेहूं धान और 400 पाएगा गन्ना किसान देने का वादा किया है। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार, संविदा कर्मियों और ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण, कोई भी बीमारी मुफ्त होगा 10 लाख तक का सरकारी इलाज। ये हमारी कांग्रेस पार्टी और AICC महासचिव
और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वादा है कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो ये सारे वादे निभाने का वादा किया है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी आपने एक सवाल किया था कि विधानसभा की सोच क्या हो सकती है, विधानसभा की सोच ये नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की ये सोच बदल चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार पूरी तरीके से ये यहाँ की आवाम बना चुकी है उत्तर प्रदेश की, कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से बना चुके हैं, बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रियंका गांधी ने छात्राओं से लगा के महिलाओं, किसानों, मजलूमों और जितने भी सबको लेके साथ चलने का वादा किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मनरेगा मजदूरों ने अपनी ग्राम पंचायत के पंचायत मित्र को हटाने के लिए किया धरना। वही मनरेगा मजदूर पंचायत मित्र पर लगा रहे मजदूरी के एवज में पैसे की मांग का आरोप। जी हां, खबर है जनपद बहराइच के विकास खंड कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरिया गाजीपुर के मनरेगा श्रमिकों द्वारा खंड विकास कार्यालय कैसरगंज में एक शिकायत प्रार्थना पत्र रोजगार सेवक के रूप में नारायण के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि रोजगार सेवक द्वारा मजदूरी से मजदूरी के पैसे में हिस्सा मांगा जा रहा है और ये भी आरोप लगाया कि यदि कोई मजदूर मजदूरी में हिस्सा ना देगा तो उसका कार्य पर नहीं रखा जाएगा। श्रमिकों ये भी आरोप लगाया कि मजदूर को अन्य जगह पर कार्य करने से भी रोका जा रहा है तथा ये कहते जाते हैं कि यदि कहीं अन्य जगह पर कार्य करोगे तो तुमको मजदूरी नहीं देंगे। इसी क्रम में गांव के श्रमिकों ब्लॉक कैसरगंज में पर इकट्ठा हुए और एक शिकायत प्रार्थना पत्र एपीओ को सौंपा। इस विषय पर एपीओ आलोक कुमार मिश्रा ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पर जब ग्राम रोजगार सेवक रूप नारायण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैसे की मांग वाली बात गलत है और पूर्णतः निराधार है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम प्रधान मुझसे गलत मास्टर रोल भरवाने चाहते हैं पर मैंने मना कर दिया है, जिससे सुरबुद्ध होकर ग्राम प्रधान द्वारा अपने व्यक्तित्व को इकट्ठा कर शिकायत कराई गई है। मेरी भी ये मांग है कि शिकायत की जाँच कराया जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ, बहराइच। जो काम की निगाह है, आपने कहाँ काम किया है अपने गांव पंचायत में? गुलरिया गाजीपुर में। कौन मजदूरी नहीं दे रहा है? रूप नारायण जो कह रहे हैं कि जो काम करोगे वो पैसा नहीं मिलेगा, ये नाजायज काम हो रहा है। रूप नारायण कौन है? पंचायत मित्र। आपके गाँव पंचायत के? जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो काम किया है ये भी पैसा आपका नाजायज है, जो काम किया कर रहे हो वो भी नाजायज है। तो हमको कमीशन दीजिए। क्या कह रहे हैं? कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन दीजिए हमको। क्या नाम है आपका? ताराचंद। कमीशन कितना मांग रहे हैं? 5% क्या? कि जितना काम करोगे 5% हमको दीजिए कमीशन, तभी पैसा पाओगे, नहीं एक पैसा नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? रूप नारायण, पंचायत मित्र। पंचायत मित्र। हाँ, तो इसकी शिकायत आपने की? जी सर। जी सर। कहाँ पे शिकायत की है? यहाँ वीडियो के पास। वीडियो के पास। तो वीडियो साहब ने क्या कहा आप लोगों से? अभी कुछ भेंट नहीं हुआ। अभी नहीं कुछ हुआ। लोग उनको सस्पेंड चाहिए, सस्पेंड किया जाए। ये शिकायत की है आपने वीडियो साहब से? हाँ, अभी किया है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो कहे मौके देख के काम किया जाएगा। यहाँ गाजीपुर के नरेगा मजदूरों ने आपको शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या करेंगे? इसकी जो शिकायत हमको मिली हुई है जी, प्रधान जी की तरफ और लेबर लोग जो भी आए हैं, इनकी मतलब शिकायत पे हम लोग अभी निकल रहे हैं। इसके यहाँ मतलब स्त्री जो है मौके पे क्या हुआ है जो भी, उस पर देख के उनकी जो भी अगर उसमें दोषी है जी, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। नहीं, एक जानकारी चाह रहे हैं जी। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि रूप नारायण जी जो हैं वही पैसा हम लोगों को देते हैं या जनरेट करते हैं ब्लॉक से, नहीं, नहीं, तो क्या ये सत्य है? नहीं नहीं, ये सब बेबुनियाद आरोप है, इस तरह नहीं होता है जी। क्या प्रक्रिया है इसकी? प्रक्रिया ये होती है जी, मास्टर रोल जैसे जब हमारे यहाँ
सचिव और रोजगार सेवक जब और प्रधान डिमांड देते हैं जी जी, तब मस्टर रोल निकलता है जी। उसके बाद मस्टर रोल भरा जाता है, भर के फिर ब्लॉक पे आता है, उसको एमबीओबी का टीएमबी करते हैं जी। ठीक है जी, जब टीएमबी करेंगे तत्पश्चात जो है मस्टर रोल भरा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लिया अगर जो ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ रूप नारायण का दोष नहीं है, ग्राम पंचायत अधिकारी भी दोषी माने जाएंगे? नहीं नहीं, इसमें उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी का इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जो अटेंडेंस का होता है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से होता है जी। उसमें अब जैसे नया सिस्टम में प्रावधान किया है तो उन्होंने जो है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से जो है करते हुए अटेंडेंस उन्होंने लेके जी उसको जीरो फीट कर दिया जी जी जी। ठीक है, खबर जनपद बहराइच से। धनोली खुर्द डेवा में कोटेदार की मनमानी चरम सीमा को कर रही है पार। कोटेदार द्वारा प्रति यूनिट लोगों को 1 किलो राशन दिया जा रहा है कम। वही सप्लाई इंस्पेक्टर व कोटेदार की ही मिली भगत ननपारा एसडीएम मामले से है बेखबर। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत से कोटेदारों की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार द्वारा राशन कटौती व घटतौली की जा रही है। प्रति यूनिट पर पूरा राशन मांगने पर तरह तरह की धमकियां कोटेदार द्वारा दी जा रही है। वही कोटेदार द्वारा कटौती व घटतौली पूछताछ में कोटेदार ने बात किया स्वीकार। कोटेदार का कहना है कि मजदूरी का पैसा नहीं निकल पाता है इसलिए प्रति यूनिट काट रहे हैं राशन। वही कोटेदार का कहना है कि मुझसे अधिकारियों का देना पड़ता है पैसे, वो भी लेते हैं अपना हिस्सा। कोटेदार का कई सालों से चलता रहा ये खेल। ग्रामीणों को मिलता है अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करवाने का झूठा आश्वासन। वहीं आखिर कब तक कोटेदार गरीब जनता का खून चूसता रहेगा, कब होगी ऐसे कोटेदारों पर कार्रवाई? ये पूरा मामला बहराइच के रिसिया विकास खंड क्षेत्र के धनोली खुर्द डेहवा मुलिमपुर गाँव का है। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ बहराइच। मैं आपको बता दूं जनपद बहराइच के इस वक्त रिसिया विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत धलौनी खुर्द डीवा के मुलीपुर गांव में मौजूद हो, जहां कोटेदार को लेकर यहां पर जनता आक्रोशित है। आइए जनता से सीधा सवाल करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कोटेदार हैवान बन गया है, ऐसा यहां जनता के जो लोग हैं यह बोल रहे हैं। आपको बता दें प्रति यूनिट और कटौती व घटतौली का कोटेदार द्वारा मामला जो है सामने आया है, वही मामला जो है आज गरमाया हुआ है। आइए सीधा जनता से जानते हैं, उनसे राय लेते हैं कि आखिर कोटेदार द्वारा कितने प्रति यूनिट पर राशन कटौती व घटतौली की जा रही है और ये आखिर कब तक चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। देवी कहाँ रहती हैं आप? मुलिमपुर। मौजा क्या है? डीवा। राशन मिलता है आपको? 24 यूनिट में 19 किलो गल्ला मिला था भैया। 19 किलो पूरा राशन नहीं मिलता है? पूरा नहीं मिला। पूरा मांगे थे तो कहते हैं इतना कटा था, दिहाड़ी पल्लेदारी फलान डमाक दुनिया ने बता रहे। अच्छा, मतलब प्रति यूनिट 1 किलो यूनिट काटा जाता है। हाँ। इसका मतलब 5 यूनिट 25 किलो गल्ला बनना, आपका 19 किलो गल्ला दिया जा रहा है। 19 किलो गल्ला मिला। शिकायत नहीं, हम तो भैया शिकायत किसी से नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक। 6 यूनिट कितना गल्ला मिलता है आपको? 24। तो आप ही को दिया जा रहा है कि पूरे मतलब गाँव वालों को दिया जा रहा है इस तरह गल्ला काट के? मतलब प्रति यूनिट 1 किलो यूनिट काटा जा रहा है, हर मतलब जितने भी कार्ड धारक हैं उनसे 1 किलो मतलब काटा जा रहा है, सबका काटा जा रहा है। आपके कितने यूनिट हैं टोटल? 6। राशन कितना मिलता है? 24 किलो दिया जाता है। आप लोग का कितना बना? अच्छा ओके, मतलब भैया 3 किलो काट आप में भी काटा जा रहा है। खबर जनपद बहराइच से। धनोली खुर्द डेवा में कोटेदार की मनमानी चरम सीमा को कर रही है पार। कोटेदार द्वारा प्रति यूनिट लोगों को 1 किलो राशन दिया जा रहा है कम।
वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर व कूड़ेदार की ही मिली भगत ननपारा एसडीएम मामले से है बेखबर। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत से कूड़ेदारों की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि कूड़ेदार द्वारा राशन कटौती व गटतौली की जा रही है। प्रति यूनिट पर पूरा राशन मांगने पर तरह तरह की धमकियां कोटेदार द्वारा दी जा रही है। वही कोटेदार द्वारा कटौती व घटतौली पूछताछ में कोटेदार ने बात किया स्वीकार। कोटेदार का कहना है कि मजदूरी का पैसा नहीं निकल पाता है, इसलिए प्रति यूनिट काट रहे हैं राशन। वही कोटेदार का कहना है कि मुझसे अधिकारियों का देना पड़ता है पैसे, वो भी लेते हैं अपना हिस्सा। कूटेदार का कई सालों से चलता रहा ये खेल। ग्रामीणों को मिलता है अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करवाने का झूठा आश्वासन। वहीं आखिर कब तक कूटेदार गरीब जनता का खून चूसता रहेगा, कब होगी ऐसे कूटेदारों पर कार्रवाई? ये पूरा मामला बहराइच के रिसिया विकास खंड क्षेत्र के धनौली खुर्द डिहवा मुलिमपुर गाँव का है। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ बहराइच। मैं आपको बता दूं जनपद बहराइच के इस वक्त रिसिया विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत धलौनी खुर्द डीवा के मुलीपुर गांव में मौजूद हूं, जहां कोटेदार को लेकर यहां पर जनता आक्रोशित है। आइए जनता से सीधा सवाल करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कोटेदार हैवान बन गया है, ऐसा यहां जनता के जो लोग हैं यह बोल रहे हैं। आपको बता दें प्रति यूनिट और कटौती व घटतौली का कोटेदार द्वारा मामला जो है सामने आया है, वही मामला जो है आज गरमाया हुआ है। आइए सीधा जनता से जानते हैं, उनसे राय लेते हैं कि आखिर कोटेदार द्वारा कितने प्रति यूनिट पर राशन कटौती व घटतौली की जा रही है और ये आखिर कब तक चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। देवी कहाँ रहती हैं आप? मुलिमपुर। मौजा क्या है? डीवा। राशन मिलता है आपको? 24 के जो 5 यूनिट में हमको 19 किलो गल्ला मिला था भैया। 19 किलो पूरा राशन नहीं मिलता है? पूरा नहीं मिला। पूरा मांगे थे तो कहते हैं तक कटा था, दिहाड़ी पल्लेदारी फलान डमाक दुनिया ने बता रहे। अच्छा मतलब प्रति यूनिट 1 किलो यूनिट काटा जाता है। हाँ। इसका मतलब 5 यूनिट 25 किलो गल्ला बनना, आपका 19 किलो गल्ला दिया जा रहा है। 19 किलो गल्ला मिला। शिकायत नहीं, हम तो भैया शिकायत किसी से नहीं किए। अच्छा चलिए ठीक। 6 यूनिट कितना गल्ला मिलता है आपको? 24। तो आप ही को दिया जा रहा है कि पूरे मतलब गाँव वालों को दिया जा रहा है इस तरह गल्ला काट के? मतलब प्रति यूनिट 1 किलो यूनिट काटा जा रहा है, हर मतलब जितने भी कार्ड धारक हैं उनसे 1 किलो मतलब काटा जा रहा है, सबका काटा जा रहा है। आपके कितने यूनिट हैं टोटल? 6। राशन कितना मिलता है? 24 किलो दिया जाता है। आप लोग का कितना बना? अच्छा ओके। मतलब तीन किलो काट आप में भी काटा जा रहा है। खबर जनपद जालौन से पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा ने किया तूफानी जनसंपर्क। माधोगढ़ कोच विधानसभा के प्रबल देवदार है शिवराम कुशवाहा पूर्व विधायक। कोच जालौन के 219 माधोगढ़ कोच विधानसभा प्रबल देवदार समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा क्षेत्र में जाकर तूफानी जनसंपर्क शुरू किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि हमारे 2022 में अगर सरकार बनती है तो किसी नौजवान किसान गरीब मजलूम को निराश नहीं होने देंगे। जनसंपर्क के दौरान कहा गया कि सपा सरकार सर्व समाज के हित के लिए कार्य कर रही है। वहीं सपा मुख्य अखिलेश यादव के नीतियों को भी जन जन तक पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। वहीं इसी दौरान ग्रामीणों के लोगों ने जगह जगह पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं जनसंपर्क के दौरान 2019 माधोगढ़ कोच विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण कोलिया पिपरिया वैन्य पचीपुरा खुर्द संपर्क के दौरान लोगों पूर्व प्रधान बलबीर सिंह पचीपुरवा खुर्द रामदर गुजर पचीपुरवा खुर्द हकीम सिंह कुशवाहा चरण सिंह कुशवाहा घोटेला बाबू राम कुशवाहा घोटेला छोटू राजा यादव कोच सुनील सिंह यादव कोच अनिल कुमार सविता पिपरी जितेंद्र सिंह यादव कोच सुभाष अग्रवाल पिंकल कुशवाहा पिपरी उदय प्रताप सिंह और पंकज गुज्जर बूथ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राजकुमार राठौर सुशील कुमार कुशवाहा पच्चीपुरवा खुर्द गोविंद
गोविंद शरण राठौर मणिराम जटवा संतराम राजक नंदराम यादव माय अमर सिंह जटवा राधे जटवा पज्जी पुरवा खुद जनन सिंह परिहार भरतलाल पाल आशीष और वहां पर काफी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। जालौन से जिला संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। प्रेस नोट जनपद सुल्तानपुर थाना कुर्दिकला पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या का सफल अनावरण कर चार नफर अभियुक्तों को माय आला कत्ल गिरफ्तार करने किया गया। वह इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा की बाइक। थाना करौंदी कला के ग्राम हिंदुआबाद में एक यूनुस पुत्र फकीर निवासी पनगवा सुकरौली थाना परशुराम बस्ती का शव पाया गया था, जिसके बारे में डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जो जांच पड़ताल की गई, उसमें पता चला कि एक रमाशंकर यादव की पत्नी का प्रेम प्रसंग इस व्यक्ति से चल रहा था और घटना वाले दिन वह मिलने के लिए आया था। परिवारीजन के द्वारा देख लिए जाने पर इसको रमाशंकर यादव के ही दो सगे भाई शिवशंकर यादव कृपा शंकर यादव और तो उनके दो रिश्तेदार एक विनय यादव और उसका विनय पुत्र दीनानाथ द्वारा मिलकर लाठी डंडे से काफ़ी प्राण तक चोटें पहुँचाई गई, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। इस बुरी घटना की सूचना इसके मृतक के दोस्त रमाशंकर को भी थी, बम्बई से वो गाइड कर रहा था, उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया और आज उसको पकड़ा गया। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली खबरों में।